हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएस टेस्ट के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि ये टेस्ट को परफॉर्म करने का एम क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने किया और इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो एमएस टेस्ट है वो ब्रूस एमएस द्वारा डिस्कवर किया गया था और जो इनका नाम है एमएस, इसी के नाम पर इस टेस्ट को एमएस टेस्ट नाम दिया गया। इन्होंने बार्कले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक सिंपल टेस्ट डेवलप किया जो ये बताएगा कि कोई भी केमिकल जो है वो कार्सिनोजेनिक है या नहीं है। इसके लिए इन्होंने जो बैक्टीरिया यूज़ किया उसको नाम दिया गया, या नाम उसका नाम था साल्मोनेला टाइफिनम्यूरियम। तो इन्होंने, अगर आपसे पूछा जाए कि एमएस टेस्ट में कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, तो बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है साल्मोनेला टाइफिनम्यूरियम। इस टेस्ट को डेवलप करने का जो इनका एम था, तो एम है एमएस टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, या फिर हम इसी को म्यूटाजन बोले, ऑफ केमिकल इन एनिमल। कोई केमिकल है वो एनिमल में कार्सिनोजेनिक इफेक्ट कॉज कर रहा है या नहीं है, या वो म्यूटाजेनिक है या नहीं है, ये पता करने के लिए हम एमएस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब म्यूटाजन क्या है, अब जरा इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी एनिमल का डीएनए है। कोई भी एजेंट, कोई भी केमिकल एजेंट या फिजिकल एजेंट जो इसके डीएनए में चेंजेस कर सके, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, म्यूटाजन नाम देंगे। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई है। चलिए हम इस टेस्ट में आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे कौन, ब्रूस एमएस, इन्हीं के नाम पर इस टेस्ट का नाम दिया गया था, क्या एमएस टेस्ट। अब देखिए, द एमएस टेस्ट यूज ए स्ट्रेन ऑफ साल्मोनेला टाइफिनम्यूरियम दैट इज म्यूटेंट फॉर ओपेरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द अमाइनो एसिड हिस्टिडीन। अब हमें यहाँ पर टर्म आया है ओपेरॉन, तो ओपेरॉन को आप समझ लीजिए। तो जब हम मॉलिकुलर बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे तो वहां पर क्या होता है कि कोई जीन है, मान लीजिए हमारा जीन है, और इस जीन का एक प्रमोटर होता है और एक ऑपरेटर होता है। तो जब किसी पाथवे में एक से ज्यादा जीन एक प्रमोटर द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं या प्रमोटर ऑपरेटर द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं क्या, ओपेरॉन। तो जो हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस का जो पाथवे है, उस पाथवे को यहाँ पर इस बैक्टीरिया में म्यूटेट किया गया, यानी कि इस ओपेरॉन में कोई एक जीन म्यूटेट कर दिया है जो हिस्टिडीन बनाने के लिए कैसा है, रिस्पॉन्सिबल है। तो जो बैक्टीरिया लिया गया है एस टाइफिनम्यूरियम, इसमें डिफेक्ट है और ये प्रॉपर हिस्टिडीन जो है वो नहीं बना पाएगा। इसकी हिस्टिडीन सिंथेसिस को क्या कर रखा है, उस जीन को म्यूटेटेड किया गया है जो हिस्टिडीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एमएस टेस्ट में जो जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफिनम्यूरियम जो यूज किया जाता है वो कैसा है, तो आप कहेंगे वो बैक्टीरिया म्यूटेटेड है, या फिर कहेंगे कि उसकी जो हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस का जो पाथवे है उसमें डिफेक्ट है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं, द म्यूटेंट ओपेरॉन माइट कंटेन ए मिससेंस और फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन। जो यहाँ पर इसके जीन में जो डिफेक्ट है वो या तो मिससेंस की वजह से आ रहा होगा, या फिर फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन की वजह से आ रहा होगा, या फिर कोई अदर तरह का म्यूटेशन हो सकता है, जैसे बेस सब्स्टिट्यूशन या ऐसे कुछ हो सकता है। इज वन ऑफ द जीन फॉर हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस, जो कहाँ पर है, हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस के कोई एक जीन है उसमें डिफेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से अब उस बैक्टीरिया में हिस्टिडीन की सिंथेसिस नहीं हो पा रही है। एज ए कॉन्सिक्वेंसेस द म्यूटेंट सेल फेल टू ग्रो एंड फॉर्म कॉलोनीज ऑन ए सॉलिड मीडियम लैकिंग हिस्टिडीन। अब देखिए, हिस्टिडीन क्या है, एक अमाइनो एसिड है। तो जैसे आपको पता है कि बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर ग्रो करने के लिए सारे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम इस बैक्टीरिया को इस ऐसे मीडियम पर ग्रो कराएं जिस मीडियम में क्या है, हिस्टिडीन नहीं है, हिस्टिडीन उस मीडियम में नहीं है, तो बताइए क्या जो ये साल्मोनेला टाइफिनम्यूरियम इस मीडियम में ग्रो कर पाएगा। तो ये इस मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ के लिए हिस्टिडीन की रिक्वायरमेंट भी है, और ये खुद तो बना नहीं पा रहा है, क्योंकि इसका जो जीन है हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस का वो डिफेक्टिव है, और जो इसको न्यूट्रिएंट दिया जा रहा है उसमें भी वो जीन, वो हिस्टिडीन नहीं है। तो इस वजह से ये बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पर ग्रो नहीं करेगा, इसकी डेथ हो जाएगी। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दो टर्म आते हैं बैक्टीरिया के केस में, जब हम लोग जेनेटिक पढ़ेंगे तो ये टर्म वहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक टर्म आता है ऑक्सोट्रॉप्स और दूसरा आता है प्रोटोट्रॉप्स। तो द ऑर्गेनिज्म दैट लूज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। वे ऑर्गेनिज्म जिनके जीन में या जिनकी बॉडी में किसी ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाने वाले मॉलिक्यूल की कमी है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग ऑक्सोट्रॉप नाम देंगे।
जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए कि इसमें हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस का जो जीन था वो डिफेक्टिव था, तो इसको हमने नाम दे दिया क्या, ऑक्सोट्रॉप। अगर यही क्या हो कि इसकी ऑर्गेनिज्म में सारे जीन नॉर्मली फंक्शन कर रहे हो और ये अपने सारे न्यूट्रिएंट खुद ही बना पा रहा हो, इसको बाहर से कोई न्यूट्रिएंट लेने की जरूरत ना पड़े, तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, प्रोटोट्रॉप। तो अगर उसके जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है जो हमारा, वो अगर अपने सारे जीन खुद से बना ले रहा है तो उसे हम लोग प्रोटोट्रॉप नाम देंगे, और अगर कोई जीन वो खुद से नहीं बना पा रहा जिसकी वजह से कोई न्यूट्रिएंट की कमी हो जा रही है उसकी बॉडी में, तो उसे हम लोग नाम देंगे क्या, ऑक्सोट्रॉप। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसको हम जेनेटिक में डिटेल में देखेंगे। तो प्रोटोट्रॉप क्या है, द ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एसेंशियल फॉर द ग्रोथ फॉर इनऑर्गेनिक फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से वो अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए सारी चीजें बना सकता है, तो उसे हम लोग प्रोटोट्रॉप नाम देंगे। अगर वो सारी चीजें नहीं बना पाएगा तो उसे हम लोग नाम देंगे क्या, ऑक्सोट्रॉप। तो ऑक्सोट्रॉप क्या है, प्रोटोट्रॉप क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये बताइए कि जो हमारा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है वो ऑक्सोट्रॉप है या प्रोटोट्रॉप है। तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो हमने यहाँ पर यूज किया है ये हमारा कैसा है, ऑक्सोट्रॉप है, ये सारे न्यूट्रिएंट नहीं बना पा रहा है इसलिए इसको ऑक्सोट्रॉप बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो हमने जो बैक्टीरिया लिया है साल्मोनेला बैक्टीरिया कल्चर ग्रो रिक्वायर्ड हिस्टिडीन टू ग्रो, क्योंकि ये साल्मोनेला जो है हमारा ये कैसा है, ऑक्सोट्रॉप है, इसमें हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस का जो पाथवे है वो डिफेक्टिव है। यहाँ पर हमने बैक्टीरिया लिया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो हिस्टिडीन मीडियम में ग्रो किया जा रहा है, तो अगर हिस्टिडीन नहीं होगा तो इस मीडियम में ग्रो नहीं होगा। हमने क्या किया, 10^8 सेल्स लिए और इनको हमने जो एलबी अगार बनाया है, यहाँ पर हमारा सॉलिड मीडियम है अगार विद न्यूट्रिएंट बट नो हिस्टिडीन, इसमें सारे न्यूट्रिएंट है इस मीडियम में, जो यहाँ पर मीडियम लिया गया है इसमें सारे न्यूट्रिएंट है लेकिन इसमें जो हिस्टिडीन है वो हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं। इसके बाद हमने क्या किया, ये 10^8 सेल इस वाले प्लेट में भी ग्रो करा, प्लेट कर दिया और इसमें भी प्लेट कर दिया। उसके बाद में हमने इसको इनक्यूबेट किया 12 घंटे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक प्लेट है हमारी, इसमें हमें कुछ कॉलोनी मिल रही है, और वहीं दूसरी तरफ की जो प्लेट थी हमने उसको क्या किया, एक स्पेसिफिक म्यूटाजन से ट्रीट करा दिया जो इस अगार मीडियम में ऐड किया। यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया, स्पेसिफिक एक म्यूटाजन ऐड कर दिया जो म्यूटेशन कॉज कराएगा। इतनी चीज आपको क्लियर होगी। तो हमने दो तरह के, सबसे पहले समझिए हमने क्या किया कि एक साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का बैक्टीरिया लिया जो हिस्टिडीन मीडियम में ग्रो किया जा रहा था पहले, इससे हमने 10^8 सेल को लेकर दो प्लेट में ग्रो कराया, दोनों ही प्लेट में हिस्टिडीन नहीं था, ठीक है। जब हमने एक प्लेट को हमने ऐसे ही रखा 12 घंटे के लिए इनक्यूबेट करा दिया, और दूसरी प्लेट को हमने क्या किया, ये प्लेट 2 है हमारी, ये प्लेट 1 है, तो फर्स्ट प्लेट को हमने ऐसे ही रखा और उसको जब हमने ग्रो कराया 12 घंटे के लिए हिस्टिडीन फ्री मीडियम पर, तो हमने देखा वहां पर लास्ट में हमें कुछ कॉलोनीज मिल रही हैं, या एक दो कॉलोनी या 4-5 कॉलोनी मिल रही हैं। वहीं दूसरी प्लेट को हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक म्यूटाजन के साथ ट्रीट कराया जो इसके डीएनए में म्यूटेशन कॉज करा सकता है, तो हमने देखा कि वहां पर हमें कॉलोनीज का नंबर, देखिए आप यहाँ पर हमें कॉलोनीज का नंबर ज्यादा मिल रहा है। तो म्यूटाजन क्या होते हैं, जो डीएनए में कॉज करा सके। तो जो हमारा यहाँ पर जो बैक्टीरिया था इसके हिस्टिडीन जीन में, हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस को जीन थे उसमें डिफेक्ट था, तो यहाँ पर ऐसा माना गया कि जो म्यूटाजन है इसने क्या किया, जो हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस के जीन थे उस जीन में जो डिफेक्ट था उसको रिवर्स कर दिया, यानी कि इस म्यूटेशन को नाम दिया गया कि रिवर्स म्यूटेशन, यानी कि अब वो जो बैक्टीरिया था पहले जो हिस्टिडीन नहीं बना पा रहा था, ये नहीं बना पा रहा था पहले, जो म्यूटाजन के संपर्क में आने से क्या हुआ कि अब ये हिस्टिडीन क्या किया, बनाने लगा। तो जब हिस्टिडीन बनाने लगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ आने लगी, तो इस वजह से यहाँ पे कॉलोनीज का नंबर क्या हुआ, ज्यादा मिल रहा है। लेकिन हमें ऐसा पता है कि नेचर में कुछ बहुत सारे म्यूटेशन ऐसे भी होते हैं जो खुद से भी रिवर्स हो जाते हैं। तो मान लीजिए एक दो बैक्टीरिया में क्या हुआ कि स्पॉन्टेनियस रिवर्टेंट हुआ, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक दो कॉलोनी मिल रही हैं जो स्पॉन्टेनियस रिवर्टेंट को, सो स्पॉन्टेनियस रिवर्टेंट मतलब कि उसमें अपने आप से जीन में चेंजेस हुआ जिसकी वजह से उसने अपना जो हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस का फंक्शन है वो गेन कर लिया। और यहाँ पर क्या हुआ कि म्यूटाजन था उसके इफेक्ट में वो जेनेटिक जो डिफेक्ट था वो रिवर्स हुआ, और मैक्सिमम बैक्टीरिया में क्या हुआ कि उन्होंने गेन कर लिया कि वो आप क्या कर सकते हैं, हिस्टिडीन को बना सकते हैं। तो इससे देखिए यहाँ पर जब कॉलोनीज मिली, इससे ये सिद्ध होता है कि जो हमारा म्यूटाजन था, जो हमारा केमिकल एजेंट था, वो कैसा है, म्यूटाजेनिक है और वो जीन में चेंजेस करा सकता है। तो ये था हमारा सिंपल एमएस टेस्ट जो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में समझाया है, वही यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर नोट में लिखा गया है
कि कुछ केमिकल एजेंट ऐसे होते हैं, अगर हम उस केमिकल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर म्यूटाजेनिक कंपाउंड है, अगर इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे तो ये म्यूटाजेनिक की तरह एक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसको हमें क्या करना होता है, इस म्यूटाजेनिक कंपाउंड को जो रैट है इसके लिवर एक्सट्रैक्ट के साथ में जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, ये मान लीजिए हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, जब इन दोनों म्यूटाजेन को, म्यूटाजेन प्लस जो हमारा लिवर एक्सट्रैक्ट है, इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो लिवर एक्सट्रैक्ट में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो इस म्यूटाजेन को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ये इसको क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर दे रहा है, तो तब ये म्यूटाजेन जो है वो एक्टिविटी गेन कर पाता है, यानी कि पहले ये इनएक्टिव था लेकिन जब इसको लिवर एक्सट्रैक्ट के साथ में मिक्स किया गया तो लिवर के कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिन्होंने इस म्यूटाजेन को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, तो ये जो म्यूटाजेन है वो कैसा हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो बहुत सारे म्यूटाजेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको लिवर एक्सट्रैक्ट के साथ में पहले ट्रीट किया जाता है और उसके बाद में वो अपनी एक्टिविटी गेन करते हैं और वो एज ए म्यूटाजेन वर्क करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, सेल सस्पेंशन लिया, ये यानी कि साल्मोनेला टाइफिनूरियम है, इसके इसमें हमने क्या किया, लिवर एक्सट्रैक्ट भी डाला है और इसमें म्यूटाजेन भी हम आगे ऐड करेंगे, ठीक है। तो सेल सस्पेंशन है, सेल ग्रोथ प्लेट लैकिंग हिस्टिडीन, यहाँ पर जो प्लेट है इसमें अभी हिस्टिडीन नहीं है, तो क्या होना चाहिए कि बैक्टीरिया की जो स्पॉन्टेनियस और या जो एब्सेंस ऑफ म्यूटाजेन है हमें बहुत कम कॉलोनी मिलेंगी। यहाँ पर ये हमने फिल्टर पेपर रखा है जिसपे हमने जो अपना म्यूटाजेन है वो नहीं डाला हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या किया, फिल्टर पेपर रखा है, यहाँ पर हमने म्यूटाजेन क्या किया है, ऐड किया है। तो जब हमने म्यूटाजेन ऐड किया और यहाँ पर प्लस लिवर एक्सट्रैक्ट भी दिया, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि हमें बहुत सारी कॉलोनी मिल रही है, लेकिन जब हमने यहाँ पर क्या किया कि म्यूटाजेन दिया लेकिन इसमें लिवर एक्सट्रैक्ट हमने नहीं डाला है, यहाँ पर लिवर एक्सट्रैक्ट जो है वो क्या है, नहीं डाला गया है, तो इस कंडीशन में हमें क्या होगा कि हमें कॉलोनी का नंबर बहुत सारा कम मिलेगा, क्योंकि ये जो कॉलोनी दो चार मिल भी रही है वो स्पॉन्टेनियस जो रिवर्टेंट है उसकी वजह से मिल रही है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो लिवर एक्सट्रैक्ट होता है ये इस म्यूटाजन को एक्टिवेट करने का काम करता है, तो कई बहुत सारे म्यूटाजन ऐसे भी हैं जिनको एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है और बहुत से म्यूटाजन ऐसे हैं जिनको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बहुत से जो म्यूटाजेनिक कंपाउंड होते हैं उनको एक्टिवेट किया जाता है किसके द्वारा, रैट के लिवर एक्सट्रैक्ट द्वारा। तो यहाँ पर यही मैंने थ्योरी में लिख रखा है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। तो एक्सपेरिमेंट हमने समझ लिया, एक पॉइंट हमने देख लिया कि बहुत सारे म्यूटाजेनिक कंपाउंड को लिवर एक्सट्रैक्ट से हमें एक्टिवेट करना होता है। अब एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसको परफॉर्म किया गया, इसको भी जरा हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चार प्लेट लिए हैं, प्लेट ए, प्लेट बी, प्लेट सी और प्लेट डी। ए प्लेट में हमने कोई भी म्यूटाजेन ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पर हो गया नो म्यूटाजेन, ठीक है। दूसरी प्लेट हमने लिया, इसमें यहाँ पे हमने ये रख रखा है क्या, फिल्टर पेपर, यहाँ पर भी फिल्टर पेपर है और यहाँ पर भी हमारा फिल्टर पेपर है। इसमें हमने क्या किया है कि जो ए बी सी डी, ये चार प्लेट है, ए को हमने ऐसे रखा, इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, और हमने क्या किया कि बी सी और डी जो है इसमें म्यूटाजन का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज किया है, यहां पर सबसे ज्यादा है हाई, फिर मीडियम और फिर लास्ट में क्या है, लो। तो जब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो फिल्टर पेपर रखा है तो यहाँ पे जब हमने म्यूटाजन ऐड किया यहाँ पे कंसंट्रेशन म्यूटाजन का बहुत ज्यादा था, तो इसके आसपास हमें देखिए यहाँ पर इस एरिया में कोई भी कॉलोनी नहीं मिल रही है, क्योंकि देखिए हर एक चीज का एक लिमिटेड डोज होता है, जब वो चीज हद से ज्यादा हो जाती है तो वो घातक हो जाती है, तो यहाँ पर ओवर थ्रेशोल्ड हो गया है म्यूटाजन का, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो यहाँ इतने एरिया की जो कॉलोनी थी वो क्या कर गई है, जिन बैक्टीरिया कॉलोनी की डेथ हो गई है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से हम फिल्टर पेपर से दूर की तरफ गए तो म्यूटाजन का जो इफेक्ट था, यानी कि जो इसकी पहुंच थी वो कम हुई, तो यहाँ पर हमें कॉलोनी मिलना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने, यहाँ पे हाई था म्यूटाजन का कंसंट्रेशन, यहाँ पे हमने क्या किया, मीडियम रखा, तो मीडियम जब किया तो देखिए हमें थोड़ी कॉलोनी का नंबर बढ़ गया, लेकिन जब हमने और लो कर दिया म्यूटाजन तो यहाँ पर देखिए कॉलोनी हमें सबसे ज्यादा मिल रही है। तो इस तरह से दिखा रहा है कि जो म्यूटाजन जो है हमारा, वो अगर हम एक ऑप्टिमल कंसंट्रेशन में नहीं यूज करेंगे, ज्यादा यूज कर देंगे तो वो सेल के लिए डेथ कॉज कर सकता है। तो यानी कि जब हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमें उस टाइम पर म्यूटाजन का कंसंट्रेशन भी ध्यान में रखना होता है। अब देखिए ये टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है, ये जैसे मान लो कोई कंपाउंड हमने लैब में डेवलप किया,
लैब में हमने क्या किया, कोई कंपाउंड डेवलप कर लिया। अब इसे हमें एनिमल में टेस्ट करना है कि ये एनिमल में म्यूटेशन कॉज करेगा या नहीं कॉज करेगा, कॉज कर सकता है या नहीं कॉज करेगा। तो इसको डायरेक्ट एनिमल में हम यूज ना करके हम इसका पहले एक एमएस टेस्ट लगाएंगे साल्मोनेला टाइफी न्यूरियम बैक्टीरिया के साथ में। जब उसमें ये पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा तब हम इसको आगे फर्दर एनिमल के लिए भेजेंगे, अदरवाइज हम इसको वहीं पर डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये कन्फर्म करने के लिए टेस्ट किया जाता है कि कोई भी जो कंपाउंड है वो म्यूटाजेनिक है या नहीं है। तो इसके दो मेथड हो गए, या तो उस कंपाउंड को आप डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए या फिर उसको क्या करिए लिवर एक्सट्रैक्ट के साथ में पहले ट्रीट कराइए, उसके बाद में उसको यूज़ करिए। फिर अगर वो आपका इफेक्ट शो करता है म्यूटाजेनिक तो आप उसको एनिमल मॉडल में आप यूज़ करिए, अदरवाइज आप उसको रहने दीजिए। तो अब हम CSIR में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे। तो 2013 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 4 नंबर में, यहाँ पर पूछा गया है एमएस टेस्ट इज यूज टू इवेल्युएट म्यूटाजेंस इन द एनवायरनमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमएस टेस्ट आर ट्रू। कह रहा है कि एनवायरनमेंट में म्यूटाजन कोई है या नहीं है उसको टेस्ट करने के लिए एमएस टेस्ट यूज किया जा रहा है। तो नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो द म्यूटाजेनिक इफेक्ट ऑफ ए कंपाउंड टेस्टेड यूजिंग ए ऑक्सोट्रॉपिक स्ट्रेन। ऑक्सोट्रॉपिक मतलब कि इसमें कोई जीन डिफेक्ट है जिसकी वजह से ये सारे न्यूट्रिएंट नहीं बना पा रहा है। तो जो हमने साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम बैक्टीरिया यूज किया था ये हिस्टिडीन इसमें जीन सिंथेसिस नहीं कर पा रहा था, इसकी वजह से हमने इसको नाम दिया था कैसा है ये ऑक्सोट्रॉप है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है करेक्ट है। तो यानी कि चारों ऑप्शन में आप देखिए आपको पहला स्टेटमेंट करेक्ट मिल रहा है, इसलिए आपको इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, द म्यूटाजेनिक इफेक्ट ऑफ ए कंपाउंड इज टेस्टिंग यूजिंग हिस स्ट्रेन ऑफ स्क्रिचिया कोलाई। तो कह रहा है कि ये इकोलाई हमने यूज किया है इसमें, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, इकोलाई नहीं किया हमने, क्या किया है साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है गलत हो गया। तो बी ऑप्शन देखिए इस स्टेटमेंट में दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, यूजिंग एप्रोप्रिएट स्ट्रेन कंपाउंड कॉजिंग बेस सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो हमने बोला कि हाँ जो हमारा बेस कंपाउंड है जो स्ट्रेन कंपाउंड है ठीक है, या तो ये कोई भी तरह का म्यूटेशन करा सकता है, या तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा। यहाँ पे देखिए पीछे वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, कहाँ गया, या तो वो मिससेंस होगा या फिर फ्रेम शिफ्ट में होगा। फ्रेम शिफ्ट में भी कई तरह का म्यूटेशन है, आप हमारे जेनेटिक्स की म्यूटेशन वाले सीरीज पर जाकर के वहां पर कितने तरह का म्यूटेशन होता है वो हमने डिस्कस किया, वो आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। इसी में हमारा बेस सब्स्टिट्यूशन भी आ जाएगा, तो या तो वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा या फिर बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होगा। अब देखिए एक बार ऑप्शन में क्या कह रहा है, यूजिंग एप्रोप्रिएट स्ट्रेन, एप्रोप्रिएट स्ट्रेन यानी कि हमने यूज किया है साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम कंपाउंड कॉजिंग बेस सब्स्टिट्यूशन। जो हम कंपाउंड लेंगे या तो वो बेस सब्स्टिट्यूशन कर रहा हो या फिर क्या कर रहा हो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो सी स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखिए जो ए और ई है अभी हम इसमें डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो हमारा ए करेक्ट हो गया और हमारा सी करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन हमारा गलत है। डी ऑप्शन की बात करते हैं, लिवर एंजाइम आर इम्पॉर्टेंट। तो हाँ लिवर एंजाइम हमारे किसी कंपाउंड को एक्टिवेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, एज दे आर एक्टिवेटेड बाई टेस्ट कंपाउंड। कह रहा है कि जो लिवर एंजाइम है ये एक्टिवेट हो रहे हैं किसके द्वारा, टेस्ट कंपाउंड द्वारा। तो इन्होंने बोला कि लिवर एंजाइम टेस्ट कंपाउंड क्या कर रहा है, इसको एक्टिवेट कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, टेस्ट कंपाउंड लिवर एंजाइम को नहीं एक्टिवेट कर रहा है, ये इसको एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, लिवर एंजाइम टेस्ट कंपाउंड को एक्टिवेट कर रहा है ना कि टेस्ट कंपाउंड लिवर एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब आप देखिए किस किस ऑप्शन में डी जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट है इसमें हमारा डी जा रहा है। अभी हमें देखना है कि ए हमारा करेक्ट हो गया, सी हमारा करेक्ट हो गया और डी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो ए और सी किस ऑप्शन में जा रहा है, थर्ड ऑप्शन में जा रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आप और देख लीजिए, मैनी कंपाउंड मे हैव टू बी कन्वर्टेड टू बायोएक्टिव मेटाबोलाइट। तो हाँ ये चीज सही है, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनको बायोएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए लिवर एंजाइम के साथ में क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो ई ऑप्शन भी हमारा क्या है,
करेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ए सी और ई जाएगा। ये हमारा 4 नंबर के लिए पूछा गया था 2013 में। उसके बाद अभी तक की दो दो नंबर में पूछे गए हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं किया हूँ। अब आप जाइए एक बार पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए और क्वेश्चंस निकालने का प्रैक्टिस करिए कि आपके देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है एमएस टेस्ट। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।